गुड मॉर्निंग एवरीवन, कंटिन्यूइंग विद अवर नेक्स्ट एडजस्टमेंट. नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स हम किस लिए क्रिएट करते हैं? कई बार जब ट्रेडर डेप्टर्स को कैश डिस्काउंट अलाउ करता है, किस लिए? ताकि वो अर्ली पेमेंट कर ले. तो ये जो डिस्काउंट हम डेप्टर्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये लॉस है बिजनेस के लिए, तो उसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स. देन जो डेप्टर्स हैं, जो डिस्काउंट लेना चाहते हैं, वो अर्ली ट्रेड पेमेंट करेंगे ट्रेडर्स को. तो जब हम उन्हें वो डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो कहाँ से चार्ज एक्चुअली हो रहा है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स से. तो जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स है, इसे हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दूसरा जो बैलेंस शीट है, वहाँ पे डेप्टर्स में से हम इसे डिडक्ट करेंगे. तो इसकी ट्रीटमेंट क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक हम बात तो हमने उसे डेबिट साइड पे शो कर दिया, दूसरा बैलेंस शीट में जो डेप्टर्स हैं उसमें से हमने इसे माइनस कर दिया. अब इसमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कि प्रोविजन जो आप बनाएंगे वो किस अमाउंट पर बनाएंगे. उसके लिए जो भी आपके डेप्टर्स गिवन होंगे, सबसे पहले उसमें बैड डेप्ट्स आप ऐड करते हैं, उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट्स जो हैं हम उसे डिडक्ट करते हैं. जो डेप्टर्स हैं, डेप्टर्स में से हमने जो बैड डेप्ट्स माइनस किए हैं, जो फर्दर बैड डेप्ट्स हैं उसे माइनस करेंगे हम. उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट्स माइनस करेंगे. उसके बाद हम जो अमाउंट बचता है हमारा, उसके हम ऊपर हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स बनाएंगे और उसे माइनस करेंगे. नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स. जैसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स होता है, उसी तरीके से जो ट्रेडर है वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स बनाता है. अगर ट्रेडर पे कर रहा है क्रेडिटर्स को सर्टेन डेट से पहले, तो उसे डिस्काउंट कुछ मिलता है जो इनकम हुई बिजनेस के लिए. तो इसीलिए जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है, जो आपकी अमाउंट है क्रेडिटर्स की, उसे कम कर देता है. तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इसे क्रेडिट साइड पर शो करेंगे, और दूसरा जो इफेक्ट होगा, दैट इज़ जो लाइबिलिटी साइड है बैलेंस शीट की, वहाँ से हम इसे क्रेडिटर्स में से डिडक्ट कर देंगे. नेक्स्ट जो है हमारा एडजस्टमेंट, दैट इज़ एम्प्लाइड इंटरेस्ट, जिसकी बात हमने ऊपर भी की कि कई बार जो एडजस्टमेंट है अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन, वो ट्रायल बैलेंस में शो हो रही है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन अभी तक आपने पे नहीं किया है. जैसे ट्रायल बैलेंस में क्या शो हो रहा है? लोन एट द रेट ऑफ 12% पर एनम टेकन ऑन 1 जनवरी 2005. डिटेल यहाँ पे गिवन है. तो यहाँ पे जो ये डिटेल गिवन है, यहाँ से क्लियरली मेंशन हो रहा है, अब कहीं पे भी ये गिवन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन लोन आपने पे किया है, और यहाँ से क्लियरली है कि इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है, तो आपने उसे पे नहीं किया है, तो वो ट्रायल बैलेंस में इसलिए शो हो रहा है. तो जो ये इंटरेस्ट है ऑन लोन, उसे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा. कैसे एडजस्ट होगा? हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एक तो बैलेंस शीट में आप इसे शो करेंगे, दूसरा आप इसे शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. नेक्स्ट जो हमारा आइटम है, दैट इज़ सेल्स टैक्स. इसकी एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं? जब हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं. वो ये क्या कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ सेल्स टैक्स पेड गिवन है, तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर दिखाएंगे. अगर हमें क्वेश्चन में सेल्स टैक्स कलेक्टेड गिवन है, मेंशन है, तो हम उसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर शो करेंगे. अगर क्वेश्चन में दोनों अमाउंट गिवन है, सेल्स टैक्स पेड भी गिवन है और सेल्स टैक्स कलेक्टेड भी गिवन है, तो उस केस में से पहले हम इन दोनों को माइनस करेंगे. सेल्स टैक्स कलेक्टेड अगर ज़्यादा है आपका सेल्स टैक्स पेड से, तो दोनों का डिफरेंस क्या है आपका? 8000 का डिफरेंस है. तो 8000 जो ये लायबिलिटी साइड है, हम इसे शो करेंगे बैलेंस शीट की, क्योंकि आपने सेल्स टैक्स कलेक्ट ज़्यादा किया है, पे कम किया है. पे अभी आपको और करना है, तो जितना पे करना है वो आपकी लायबिलिटी है. देन अगर आपका सेल्स टैक्स कलेक्टेड कम है और सेल्स टैक्स पेड ज़्यादा है, इसका मतलब आपने पे ज़्यादा कर दिया और कलेक्ट कम कर दिया, तो इस सिचुएशन में जो हमारा बैलेंस अमाउंट है 3000 का, हम उसे शो करेंगे इन द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देन नेक्स्ट जो हमारी एडजस्टमेंट है, दैट इज़ लॉस बाय एक्सीडेंट.
कई बार बिजनेस में कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, जिन्हें हम एबनॉर्मल लॉसेस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, लॉस फ्रॉम अर्थक्वेक, लॉस फ्रॉम एक्सीडेंट एसेट्रा. इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहला, लॉस ऑफ गुड्स. अगर जो गुड्स आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई है ड्यू टू अनकंट्रोलेबल रीजंस, तो उसे हम लॉस ऑफ गुड्स कहते हैं. इसके लिए जो हमारी एंट्री होगी, जो हमारा इफ़ेक्ट होगा, वो क्या होगा? लॉस हुआ है तो सबसे पहले तो इसे डेबिट साइड में, जो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में जो टोटल परचेजेस हैं हमारी, जहाँ पे हमारी गुड्स मेंशन होती हैं टोटल परचेजेस में, उसमें से हम इसे माइनस कर देंगे. दूसरा, इस लॉस को हम शो करेंगे बैलेंस शीट की डेबिट साइड पर, क्योंकि ये बिजनेस का लॉस है. देन अब इसमें एक चीज़ और आती है कि अगर जो आपकी गुड्स डिस्ट्रॉयड हुई हैं वो इंश्योर्ड थी, तो जो इंश्योरेंस कंपनी अगर फुल क्लेम एक्सेप्ट कर लेती है, तो जो भी आपका लॉस बाय एक्सीडेंट हुआ है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं करेंगे, उसे हम ट्रांसफ़र प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं करेंगे, उसे हम इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे. उसके लिए एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट. अगर जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने आपका पार्शियल क्लेम एक्सेप्ट किया है, मतलब लॉस हुआ 5,000 का लेकिन क्लेम एक्सेप्ट हुआ खाली 4,000 का, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में जो लॉस बाय एक्सीडेंट है उसके लिए एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट, जो अमाउंट हमारा क्लेम हो पार्शियल इंश्योरेंस ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम वो अमाउंट डेबिट करेंगे जो क्लेम हमारा एक्सेप्ट नहीं हुआ है. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट. इन दो सिचुएशंस में जो भी अमाउंट इंश्योरेंस क्लेम का है वो आप जो आपको रिसीव हो रहा है उसे आप शो करेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड पर. दूसरा है हमारा लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट. अगर आपकी कोई एसेट डिस्ट्रॉय हुई है बाय फायर, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी? सबसे पहले तो लॉस हुआ है तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर शो करेंगे. दूसरा जो इफ़ेक्ट इसका होगा, दैट इज़ कि जो बैलेंस शीट की एसेट साइड पर जो फिक्स्ड एसेट आपने लिखी है उसमें से उसे हम माइनस कर देंगे. अगर फिक्स्ड एसेट फुली इंश्योर्ड थी, तो जो भी आपका लॉस बाय फायर अकाउंट है उसे क्लोज कैसे किया जाएगा? उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट में. तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट. देन नेक्स्ट जो हमारा एडजस्टमेंट है, दैट इज टू गिव चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स. अगर जो ट्रेडर है उसने कुछ गुड्स इन द फॉर्म ऑफ चैरिटी दे दी है अपने बिजनेस से, तो उसे भी हम बिजनेस का एक्सपेंस मानेंगे. तो उसकी एडजस्टमेंट क्या होगी? एक तो एक्सपेंस हो गया बिजनेस का, तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर हमने उसे शो कर दिया. दूसरा, हमारी गुड्स हमारे पास से गई हैं, तो जो भी ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में टोटल परचेजेस में से हमने उसे माइनस कर दिया. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज फ्री सैंपल, सेम तरीके से इसे भी हम एक्सपेंस मानेंगे बिजनेस का. तो एक बार तो ये P&L अकाउंट की डेबिट साइड पर शो हो जाएगा, और दूसरा टोटल परचेजेस में से ट्रेडिंग अकाउंट में माइनस हो जाएगा डेबिट साइड में. देन ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स आपने की है, तो अगेन हमारी गुड्स कम हो रही हैं, तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है टोटल परचेजेस में से हम उसे माइनस कर देंगे. दूसरा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल में से हम इसे माइनस शो करके दिखाएंगे. देन यूज़ ऑफ गुड्स इन बिजनेस. अगर जो आपका ट्रेडर है वो यूज़ कर रहा है कुछ गुड्स को, जो टोटल परचेजेस हैं बिजनेस की उसमें से गुड्स को यूज़ कर रहा है बिजनेस के लिए, तो वो बिजनेस की एसेट बन गई. तो उस केस में हम इसे कैसे शो करेंगे? एक तो डेबिट साइड जो है ट्रेडिंग अकाउंट की, वहाँ पे टोटल परचेजेस में से माइनस हो जाएगा. दूसरा, बैलेंस शीट में एज अ एसेट उसे हम शो कर देंगे. देन नेक्स्ट जो हमारा एडजस्टमेंट है, दैट इज़ मैनेजर्स कमीशन. कई बार जो मैनेजर है बिजनेस का उसे आप कमीशन देते हैं उसके सैलरी के एडिशन में, उसे मोटिवेट करने के लिए.
ये एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे होती है। तो ये जो कमीशन हुई वो आपकी क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट होगी जब आप अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं। तो इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी, एक तो इसे हम P&L की डेबिट साइड पर दिखाएंगे, दूसरा जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर है उसे आप शो करेंगे, वहाँ पर शो करेंगे उसे आप एज अ आउटस्टैंडिंग कमीशन। अब कमीशन को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और एक ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर क्वेश्चन में मेंशन है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो जो सिंपल फॉर्मूला है वो लगेगा, वो क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इंटू 100 अपॉन इंटू रेट अपॉन 100। फॉर एग्जाम्पल जैसे 33,000 है और 10% है रेट, तो 33,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। दूसरा, अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो उस केस में नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो सेम एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 33,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 10, 110। तो दोनों सिचुएशन में जो मेथड है कैलकुलेशन का कमीशन का वो ये है, लेकिन जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो सेम रहेगी लेकिन अमाउंट डिफर करेगी। देन नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ कंटीजेंट लाइबिलिटीज़। कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो एट प्रेजेंट बिजनेस की लाइबिलिटीज़ नहीं हैं, लेकिन फ्यूचर में जो इवेंट होंगे तो हो सकता है वो बिजनेस की लाइबिलिटीज़ बन जाए। तो मतलब जहाँ पे मे और मे नॉट बी वाली सिचुएशन आ जाती है वहाँ पे वो कंटीजेंट लाइबिलिटी होती है। तो एग्जांपल क्या हो सकते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ के, जैसे बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। डेप्टर ने बैंक को अगर पे नहीं किया वो अमाउंट बिल का तो ड्यू डेट पर फर्म लाइबल होगी पेमेंट के लिए। देन इसी तरीके से अगर कोई सूट, कोई केस पेंडिंग है कोर्ट में अगेंस्ट द बिजनेस, तो वो लाइबिलिटी तब बनेगा अगर वो बिजनेस के अगेंस्ट डिसाइड होता है उस केस का फैसला। देन अगर जो बिजनेस फर्म है उसने गारंटी दी है किसी पर्सन की, और एक्चुअल लायबिलिटी तब अराइज होगी जब वो जो पर्सन है फेल हो जाता है अपनी ऑब्लिगेशन को मीट आउट करने के लिए। कंटीजेंट लायबिलिटीज़ को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं, इन्हें एज अ फुट नोट आप शो करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कई बार कुछ एक्सपेंडिचर बिजनेस के ऐसे होते हैं जिनका बेनिफिट आपको आगे आने वाले ईयर्स में मिलना है, लेकिन उसके लिए पे आप अभी कर देते हो, तो उन्हें हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एसेट्रा। एक्सपेंडिचर पे तो आपने करंट ईयर में कर दिए, लेकिन उनका जो बेनिफिट है वो आगे आने वाले कई सालों तक मिलना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपका करंट, जो भी टोटल अमाउंट आपने पे किया उसे हम उतने नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देते हैं जितने ईयर्स तक उसका बेनिफिट मिलने वाला है। फिर जो अमाउंट आएगा उसे हम हर साल उतना अमाउंट हम P&L अकाउंट से चार्ज करते हैं, और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो टोटल खर्चा किया वो किया 1 लाख रुपीज़, और उसका बेनिफिट आपको कमिंग 5 ईयर्स में मिलने वाला है। तो 1 लाख डिवाइड बाय 5 ईयर, वो 5 हुआ तो ये आ गया 20,000। मतलब 20,000 एवरी ईयर आप P&L अकाउंट में एज एक्सपेंस उसे शो करेंगे, और दूसरा जो बैलेंस है उसे बैलेंस शीट में एसेट साइड में हम शो करेंगे। तो 20,000 P&L अकाउंट में शो करेंगे आप डेबिट साइड एवरी ईयर, और जैसे फर्स्ट ईयर है तो 20,000 P&L अकाउंट में शो हो गया, और जो 1 लाख माइनस 80,000 बचा इसे हम बैलेंस शीट की एसेट साइड पर शो करेंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।